बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आई थिंक 6 से 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला पार्ट करूँगा आपके लिए इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि ये करने के बाद बाकी पार्ट्स आप ईजिली कर सकेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। Use matrices if possible to solve the following systems of linear equations by the matrix invariant method and secondly the Cramer's rule. तो students, आज के lecture में हम first वाले method से values को solve करना सीखेंगे, ठीक है, x और y की जो values हैं, और इंशाल्लाह ताला कल के lecture में हम second method से solve करेंगे। तो चलिए first वाला method स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जहांगीर मैथ्स एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स बेल वाले आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले तो आपने सोल्यूशन में मैट्रिक्स फॉर्म राइट करनी है, द मैट्रिक्स फॉर्म तो ये स्टूडेंट्स मैट्रिक्स फॉर्म है 2 -2 3 2 x y = 4 6। तो स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स फॉर्म है। इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये इन इक्वेशंस में मौजूद वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट से बना है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं वेरिएबल एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, जो कि मैंने यहाँ राइट किया है, और वाई का कोएफिशिएंट -2 है, -2, एक्स का कोएफिशिएंट 3, ये 3, और वेरिएबल वाई का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 राइट किया है। तो इसको स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं। और जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इन इक्वेशंस में मौजूद वेरिएबल्स से बना है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इन इक्वेशंस में सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई मैंने यहाँ राइट किया है, और ये जो मैट्रिक्स है इसको स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स भी कहते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इन इक्वेशंस में मौजूद कांस्टेंट्स जो कि इक्वल के राइट साइड पे हैं, ठीक है, इनसे बना है 4 6, और ये 4 6। तो स्टूडेंट्स, इसको मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको ए लेट कर लेते हैं, और जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसको बी लेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू, बल्कि स्टूडेंट्स ये जो बी है इसकी जगह हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्स जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, और ये जो मैट्रिक्स है इसको बी लेट कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमें एक्स फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम ए को राइट साइड पे ले आएंगे। एक्स इज इक्वल टू ए राइट साइड पे आके ए इनवर्स में चेंज हो जाएगा, ए इनवर्स और बी एज इट इज़ आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी को फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, और इसमें जो ए इनवर्स है ये हमें फाइंड आउट करना है। यू नो ए इनवर्स का क्या फार्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसको स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है, और ये फाइंड आउट करने के बाद इनकी जो जो वैल्यूज आएंगी वो इस फॉर्मूला में पुट करके तो ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ए डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि वर्टिकल बार्स में जो ए है इसकी सभी वैल्यूज़ एज इट इज़ राइट करनी है, 2 -2 3 2।
अब डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, टू मल्टीप्लाई बाई टू, नेक्स्ट माइनस, और ये माइनस फिक्स है। अब नॉन डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस टू, टू टू द फोर, माइनस थ्री टू द सिक्स, और प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, फोर प्लस सिक्स इज इक्वल टू 10। तो ये स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट 10 आ चुका है, जो कि नॉन ज़ीरो है, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने की वजह से इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर हमारा जो सोल्यूशन है वो भी पॉसिबल है, मतलब हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करें। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का स्टूडेंट्स एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी इंटरचेंजिंग हो जाएगी, इस टू की जगह ये टू आ जाएगा और इस टू की जगह ये टू आ जाएगा, टू टू। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइंस की चेंजिंग हो जाएगी, जैसा कि टू नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये थ्री पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, -3। तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करके ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर टू। स्टूडेंट्स एक दफ़ा फॉर्मूला फिर से राइट कर लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए टू, टू माइनस थ्री टू, और ए डिटर्मिनेंट 10 है। एडजॉइंट ऑफ ए टू, टू माइनस थ्री टू, एंड ए डिटर्मिनेंट इज 10। ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको स्टूडेंट्स हम इस शेप में राइट कर लेते हैं, 1/10 इंटू टू, टू माइनस थ्री टू। इसको स्टूडेंट्स इस शेप में इसलिए राइट किया है ताकि आगे हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अगर इसको, इस मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा यही आंसर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो ए इनवर्स की वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में यहाँ पुट करते हैं, और बी की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं मैट्रिक्स बी यहाँ पुट करेंगे, और एक्स की जगह ये जो मैट्रिक्स एक्स है, ठीक है, वो यहाँ पुट करते हैं, और फिर फाइनली हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो स्टूडेंट्स इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप ये देख सकते हैं आपके सामने हैं। इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए वैल्यूज़। तो जो एक्स की वैल्यू है आप देख सकते हैं ये है, ये इसकी जगह एक्स की जगह ये पुट करते हैं मैट्रिक्स एक्स को, एक्स वाई
और जो ए इनवर्स की वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, 1/10 इंटू 2 2 -3 2, और जो बी है इसकी जगह ये मैट्रिक्स बी 4 6 4 6। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्टली फाइंड आउट करते हैं। 1/10 एज इट इज आ जाएगा, और तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आप अच्छी तरह से कर चुके हैं, आई थिंक इसको मज़ीद गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं, 2 × 4 + 2 × 6, नेक्स्ट -3 × 4 + 2 × 6, नेक्स्ट 1/10, 2 4 8 + 2 6 12, 3 4 12, माइनस प्लस माइनस प्लस 2 6 12, वन बाई 10 एज इट इज। नेक्स्ट 8 + 12 इज इक्वल टू 20 एंड -12 + 12 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 20 को 10 पे डिवाइड कर देंगे और 0 को भी 10 पे डिवाइड करेंगे। 20 / 10, 0 / 10, और फाइनली ट्वेंटी बाई 10 इज इक्वल टू 2, 0 / 10 इज इक्वल टू 0, और ये एक्स वाई ये इसी तरह से चलता आ रहा है, और यहाँ हम एक्स वाई राइट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 0 है। सो एक्स इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, तो ये स्टूडेंट्स x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब स्टूडेंट्स हम फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट इज 3x -2y इज इक्वल टू 4 -6x +4y इज इक्वल टू 7। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैट्रिक्स फॉर्म राइट करेंगे। द मैट्रिक्स फॉर्म एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स 3 -2 -6 4, और इस मैट्रिक्स में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं एक्स वाई इज इक्वल टू, और इन इक्वेशंस के जो राइट साइड पे कॉन्स्टेंट्स हैं वो थर्ड वाले मैट्रिक्स में आएंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैट्रिक्स फॉर्म आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट मैट्रिक्स को ए लेट कर लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स को एक्स और थर्ड मैट्रिक्स को बी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्स फाइंड आउट करना है, इसलिए ए को राइट साइड पे ले आएंगे। एक्स इज इक्वल टू, और ए राइट साइड पे आके ए इनवर्स में चेंज हो जाएगा और बी इसके साथ आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, और इसमें जो ए इनवर्स है इसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स नंबर फर्स्ट पे हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, देन एडजॉइंट ऑफ ए।
और फिर इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी उनको इस फॉर्मूला में पुट करके तो ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट फर्स्टली फाइंड आउट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू वर्टिकल बार्स में ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी सभी एंट्रीज एज इट इज़ आ जाएंगी, 3, -2, -6 एंड 4। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 -6 मल्टीप्लाई बाई -2, 3 4 ज़ा 12, -6 2 ज़ा 12, -, +12 -12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ये सिंगुलर मैट्रिक्स होने की वजह से इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो डेफिनेटली जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये जो इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फाइनली इंग्लिश में राइट कर लेते हैं। सो ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स हैंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।